गुड इवनिंग, दिस इज आकाश श्रीवास्तव ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स, जहां पर हमारे साथ है मोहम्मद सैफी सर, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो आइए सैफी सर से मिलते हैं और इनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। हेलो सैफी सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YCT बुक्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सर? हेलो आकाश, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी जुड़ चुके हैं और सभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उनको एक कंसाइजली अपने बारे में बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स। ओके, पूरा नाम मोहम्मद रफीक सैफी है और मैं 2012 में डिप्लोमा पास आउट किया था मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैंने बीटेक किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही, 2016 में मैं पास आउट हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की और 2017 में मैंने यूएम में एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया। फिर वहां पे कुछ 6-7 महीने काम किया, उसके बाद मेरा यूपी जल विद्युत निगम में हो गया, जो स्टेट यूपी पावर प्लांट्स देखता है। फिर वहां मैंने करीब वहां पे भी मैं 4 साल मैंने काम किया। अभी मैं यूपी आरविनल में हूँ एज ए इंजीनियर और अभी मैं पोखरा में। अभी इसके साथ ही मेरा यूपी पॉलिटेक्निक में यूपीपीएससी के थ्रू जो है यूपी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की पोस्ट भी सिलेक्शन हुआ है, तो अभी मैं उसको वेट कर रहा हूँ। तो सर कितनी अच्छी बात है ना, कितना मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार एग्जाम्स मतलब आपने क्लियर किया है और एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद वहां पर आपकी पोस्टिंग भी होगी। आपने कुछ महीने वहां पर दिए, फिर दोबारा आपका दूसरा एग्जाम क्लियर हो रहा है, फिर कुछ समय आपने वहां दिया, तो करेंटली आप यूपी आरविनल में एज अ जूनियर इंजीनियर वहां पर आप पोस्टेड हैं। तो सर ये चार चार एग्जाम आपने क्लियर किया है, ये चार चार एग्जाम आपने क्लियर किया है, तो सर बच्चों को भी कुछ बताइए, एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप उनको बताइए कि मतलब किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी, मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की कि आपने एक नहीं, दो नहीं, चार चार एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। देखिए एक्चुअली हर एग्जाम की स्ट्रेटजी जो है अलग होती है, डिपेंड करता है एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एग्जाम का और किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियसली आते रहे, तो आपको वो पूरा अच्छे से एनालाइज करना होता है, उसके बाद आप ही अगर, तो मेरे हिसाब से जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो सर सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो सबसे पहला एग्जाम क्लियर हुआ था मेरे ख्याल से यूपी जल निगम था शायद। बिल्कुल। ओके, यूपी जल निगम, फिर उसके बाद यूपी आरविनल जेई, तो इसमें सर आप बताएंगे कि मतलब जितने भी यूपी, मैं चाह रहा हूं क्योंकि आपने चार चार एग्जाम क्लियर किया है तो एस्पिरेंट्स जुड़े हैं वो चार के चारों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, वो यूपी आरविनल जे की भी, जल निगम की भी तैयारी कर रहे होंगे, विद्युत आपने बताया यूपी विद्युत का कोई, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो सर पहले आप यूपी आरविनल जेई के बारे में बताइए, मतलब जेई का क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। देखिए यूपी आरविनल जेई में 200 क्वेश्चन आते हैं और 50 आपके टेक्निकल होते हैं, 50 नॉन टेक होते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी वैसी ही होनी चाहिए। जनरल के आई थिंक अराउंड 160-162 ऐसे कट ऑफ जाती है। ओके, तो आपको टेक्निकल के बेसिस पे नहीं होने वाला है सिलेक्शन, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की अच्छी तैयारी करनी है, तो आप टाइम उसी हिसाब से आपको पहले तो आप सिलेबस को शुरू कर लो। फिर आप ये देखो कि अगर रीजनिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, 50 में रीजनिंग हिंदी और जीएस, तो रीजनिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो है कोई भी स्टूडेंट आसानी से कर लेगा, तो आपको ये देखना है कि आपका मेन फोकस टेक्निकल के साथ जीएस और हिंदी पे होना चाहिए। तो आप 150 में अगर आप सपोज 130 अच्छे से कर लेते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, तो बाकी 50 में आपके क्योंकि रीजनिंग आएंगे तो और हिंदी में आपको करना आसान हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। पहले तो पेपर आप अच्छे से दे, बाद आप अपनी उस पे फिर फॉलो करो उसको पूरा थरोली, तो फिर आपको आई होप मतलब आप ओके
तो सर ये बताइए कि आपके क्या स्कोर थे यूपी आर्बिनल जेई में और क्या रैंक थी आपकी? हाँ, मेरा 163 के अराउंड रैंक, मेरी आई थिंक 33 थी। ओके, और स्कोर कितना था सर? कैन यू प्लीज रिपीट? 163। हेलो, 163। ओके 163, 163। ओके। और सर अब बात करते हैं यूबीपीएससी जे यूबीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो कि यूबीपीएससी कंडक्ट कराती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ तो सर उसके सफर के बारे में बात करते हैं, उसमें अभी आपका सिलेक्शन हो बिल्कुल गया है और उसके आपके क्या स्कोर हैं और क्या रैंक है उसमें आपकी? बिल्कुल। उसमें आई थिंक 560 के अराउंड है आउट ऑफ 750, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स तो पता नहीं चले उसमें, और रैंक में है 17। 17। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रैंक है। तो सर यूपीपीएससी ये लेक्चरार की तैयारी आपने कैसे की थी? सॉरी, यूपीपीएससी ये पॉलिटेक्निक लेक्चरार जो आपने बताया, इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? आपकी क्या स्ट्रेटेजीज आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे? हाँ देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप पेपर पैटर्न्स समझ लीजिए। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड टू। पेपर वन में आधे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपका हिंदी होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल के और होते हैं हिंदी के, और आपके बाकी के बचे हुए टेक्निकल सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चन होते हैं और 25 होते हैं जीएस के। तो टोटल आपके हो गए 250 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, निगेटिव है 1/3, यानी आपके जो है हर रॉन्ग आंसर्स पे -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको ये देखना होता जो ही है, उसमें आप ज्यादा तुक्का या अटेम्प्ट ऐसे ना करें, अदरवाइज निगेटिव मार्क्स यहाँ पे एक एक नंबर पे बहुत रैंक हो जाती है और सिलेक्शन में भी एक फर्क पड़ जाता है। तो सर इसकी मतलब आपने बुक कौन कौन सी यूज की थी यूपी आर्बिनल जे के लिए? सर आपने कोई पर्टिकुलर बुक जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस बुक को पढ़ करके आपका सिलेक्शन हुआ? देखिए, यूपी आर्बिनल के लिए तो आप कोई से भी जो है मतलब टेक्निकल बुक उठा ले, जिसमें प्रीवियस चाहे ईएससी के जो इजी होते हैं या स्टेट बोर्ड स्टेट और दूसरे स्टेट में जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। चाहे आप करते हैं या यूथ की भी बहुत अच्छी, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप किसी एक बुक को अच्छे से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन काफी चांस है उसके। ओके। और सर यूपीपीएससी ये लेक्चरर के लिए आपने कौन सी की बुक पढ़ी थी? हाँ, यूपीपीएससी के लिए मैंने एक्चुअली मेन यूपीपीएससी की ही तैयारी की थी, तो उसके लिए मेडिजी के प्रीवियस ईयर मैंने एसी के कुछ सॉल्व किए थे, बट कई क्वेश्चन उसमें जैसे मैकेनिक्स वगैरह के जो है क्वेश्चन उसमें अच्छे नहीं थे। देखा यू क्वेश्चंस अच्छे हैं, मेट्रोलॉजी वगैरह में भी जो है क्वेश्चंस अच्छे थे। जो ये क्वेश्चन करीब करीब 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और यही डिसाइड है, तो इस वजह से मैं दोनों को कंसल्ट करते हुए अपने हिसाब से दोनों पढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप क्वेश्चन करें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके जो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया होता है यूथ में और मेडिसिन दोनों में मैंने देखा बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी जो है होता जाएगा, सिर्फ आपके क्वेश्चन ही होंगे। और वैसे ही नॉन टेक्निकल के लिए भी आप जो है यूथ के प्रीवियस ईयर या फिर कोई सा भी कोई और पब्लिक है तो कर सकते हैं, तो आप उससे करेंगे तो प्रीवियस ईयर तो आपके कॉन्सेप्ट भी बनेगा और आपके क्वेश्चंस भी आपको आइडिया होते हैं किस टाइप के आते हैं, तो उससे आपके चांसेस जो है हो सकते हैं। और सर आपने टेस्ट वगैरह भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन की थी? क्योंकि मैं उस टाइम खुद मतलब जॉब में ही था तो उतना टाइम नहीं था, और दूसरी चीज ये है कि एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की थी, क्योंकि जो मैम है वो यूपीपीएससी लेक्चरर था वो ऑफलाइन था और टेस्ट सीरीज मोस्टली ऑनलाइन रहती थी, तो वो सेम एनवायरनमेंट नहीं था। हालांकि मैंने 2-3 एग्जाम से तो दिए थे, उसमें मैंने ये देखा था कि जैसे
अगर वहाँ 2.5 घंटे का टाइम है तो मैं यहाँ पे 1.5 घंटे के ही अंदर कर लूँ, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में टाइम कम लगता है और उसमें बबलिंग करनी होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। तो आप उस हिसाब से अपना जो है मतलब एग्जाम के एनवायरमेंट के हिसाब से ही आप टेस्ट दो अगर आपको देना भी है तो। तो सर ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि एक 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 यूपी जल निगम का आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है और यूपी विद्युत आप कौन सा बता रहे थे, वो कौन सा एग्जाम था? यूपी जल विद्युत निगम। okay. वो हाइड्रो पावर प्लांट जो तो करेंटली आप यूपी आर्बिनल में एज अ जूनियर इंजीनियर पोस्टेड हैं, तो अभी आप इस जॉब को फिर स्विच करने का समय आ गया, फिर स्विच करके यूपीपीएससी लेक्चरर में जाएंगे कि अभी आप जेई में ही यहाँ पर करेंगे? नहीं नहीं मैं उसी की ज्वाइनिंग एक्चुअली वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब काफी मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छी जॉब है और आपको पढ़ाने का मौका मिलता है दूसरों को और हमेशा आप मतलब गाइड करने का आपको मौका मिलता है सोसाइटी को, जो देने जो आपने तक सीखा है तो बच्चों को गाइड करने का मौका मिलता है, तो इससे अच्छी जॉब आई थिंक शायद ही कोई हो, तो इस वजह से पूरा वो है जॉइनिंग का वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं मैं सभी को बता दूं कि देखिए मेहनत अगर इंसान करता है तो वो बेकार नहीं जाती। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले दूसरे फेलियर के बाद एकदम से मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं और फिर प्राइवेट जॉब की तरफ फिर वो लोग भागते हैं। तो आप सर एक छोटा सा सजेशन लोगों को दे दीजिए एस्पिरेंट्स को कि वो मतलब एक आध दो तीन अटेम्प्ट चार अटेम्प्ट देने के बाद जब वो फेलियर फेस करते हैं तो वो फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर तैयारी करना छोड़ देते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने बोला कि चार एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मैंने चार अगर क्वालिफाई किया तो 20 से ऊपर 30 के अराउंड मैंने मतलब नहीं भी क्वालिफाई किया, मतलब फेल भी हुआ, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप वो तो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, आप बस अगर आप प्रिपेयर हो तो आप अगर जो एग्जाम में आप फेल भी होते हो आपको पता होता है कि आप किस वजह से फेल हुए हो, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन में आप उस पर ध्यान देते हो। जैसे दो एग्जाम दिया जिसमें यूपीपीएससी एई का ही जब दिया था तो मेरे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कुछ नहीं हुए थे, तो मुझे पता था कि ये मेरा वीक पॉइंट है, फिर मैंने इस पे वर्क किया। तो एक्चुअली आप फेलियर कर लो कि आप किस वजह से हुआ, अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया है तो आपको पता है आपका कहाँ पे मतलब वीक पॉइंट रह गया, तो आप उस पर फिर फोकस करो। तो अगर ऐसा ऑनेस्ट अपने प्रिपरेशन के साथ तो फेलियर से घबराना नहीं, क्योंकि एक दो फेलियर के बाद आप खुद फिर सक्सेस अचीव कर लोगे। तो सैफी सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजीज को लोग फॉलो करेंगे और उनको भी जॉब स्विच करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंस मतलब देता है कि आपके मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि मैंने एक नहीं दो नहीं मतलब तीन तीन चार चार एग्जाम क्वालिफाई किए, वो भी आज के समय में जहां पर मतलब टू क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इज हार्ड नट टू क्रैक। तो बहुत ही अच्छा लगेगा लोग। जी सर। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपकी प्रिपरेशन एक ली जाती है खुद ही आता है, फिर वो आपको पता होता है कि आपका एग्जाम निकलने वाला है, और अगर नहीं भी निकल रहा तो आप हमेशा पेशेंस रखते हो क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा हो रहा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन एक लेवल पे ले जानी है, उसके बाद सक्सेस जो है आपके राइट अराउंड द कॉर्नर रहेगी। ओके सैफी सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम टू आवर यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच।